बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट के पास आइए, मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगी। आसिम सलीम बाजवा, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी, अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं, जराए से ऐसी इतलात आ रही हैं। अब्बास शबीर भी मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, जरा डिटेल्स दीजिएगा इसकी। देखें, ऑलरेडी इन्होंने चेयरमैन सीपैक का इनके पास ओहदा था और वो उससे मुस्ताफी हुए हैं और नए चेयरमैन लगा दिए गए हैं। सीपैक अथॉरिटी की अहम जिम्मेदारियां अदा करने पर उन्होंने शुक्रगुजार भी, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, सीपैक के तमाम मंसूबों के मुस्तकबिल की सिमत तय कर दी है। वजीर आजम और हुकूमत के तआवुन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। सीपैक अथॉरिटी को बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये उनका, जिस तरह हम कहते हैं कि एक अलविदाई ट्वीट होता है और बेस्ट विशेज होती हैं जो अगला डिप्यूट होता है, और मामले खुसूसी आज ही डिप्यूट हुए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि खालिद मंसूर साहब के लिए जो आज जिनको लगाया है उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। सीपैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ये सबब बनेगी। आसिम सलीम बाजवा की तरफ से ट्वीट किया गया है और शुक्रिया अदा किया गया है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि उन्होंने जो चेयरमैन सीपैक की जिम्मेदारियाँ थी वो छोड़ दी हैं। सही, ये ट्वीट जो है वो सामने मौजूद है आसिम सलीम बाजवा साहब का। इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है, जो अथॉरिटी जो जिम्मेदारियां वो अदा करते रहे हैं उस पर अल्लाह के शुक्र गुजार हैं। फिरदौस आशिक आवान साहबा साथ ही मौजूद हैं। फिरदौस साहबा, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर थे आसिम सलीम बाजवा साहब और इतने इंपॉर्टेंट नोट पर, इतने इंपॉर्टेंट वक्त पर मुस्ताफ़ी हुए हैं, क्या वजह इसकी? देखिए, सी पैक जैसा कि आपने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ इकोनॉमिक वेन है बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ जुड़ा, दुनिया के साथ जुड़ने वाला एक कनेक्टिविटी प्लान भी है, और दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक मौसर ट्रेड हब बनाने में सी पैक जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों से सी पैक के तमाम वो तो ऑब्वियसली कर रहे हैं।